नमस्कार दोस्तों, हम जून 2018 के ए पार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 14 ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास आर गर्ल्स, 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट, 2 आर नाइदर गर्ल नॉर वियर ब्लू शर्ट, 5 स्टूडेंट्स हु वियर ब्लू शर्ट आर गर्ल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास 14 हैं, वो हमारे पास गर्ल्स हैं। तो हम एक सेट मान लें, उस 14 जो हमारे पास गर्ल्स हैं उनका सेट हम मान लें। हमारे पास ये हमने एक सेट मान लिया, ए सेट हमने मान लिया, जिसमें हमारे पास 14 गर्ल्स हैं। और हम यहाँ देखें, क्योंकि हमारे पास फाइव जो गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हु वियर ब्लू शर्ट। तो हम एक ब्लू शर्ट का एक सेट भी मान लें, जिसमें वो स्टूडेंट हैं जो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, और ए सेट में सिर्फ गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स हमारे पास 14 हैं, लेकिन 14 में 5 गर्ल्स ऐसे हैं जो हमारे पास ब्लू शर्ट पहने हुए हैं, और ब्लू शर्ट जो पहने हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं, 8 स्टूडेंट इन द क्लास वियर ब्लू शर्ट। और यहाँ क्या है, 2 आर नाइदर गर्ल्स नोर वियर ब्लू शर्ट। तो ये हमारे पास इसके कम्प्लीमेंट में हो जाएगा, ना तो वो यहाँ हैं और ना यहाँ हैं, तो उसके कम्प्लीमेंट में हो जाएगा। तो 2 ये हमारे पास है, बस इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 14 थे, तो ये हमारे पास ब्लू शर्ट पहने हुए थे, इसको हमने कॉमन रीजन में ले लिया था। तो हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 19। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका 19, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 12 का क्वेश्चन है। ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 meters, द बॉल आफ्टर ईच बाउंस राइज वर्टिकली बाय हाफ इट्स प्रीवियस हाइट। दिस मीन्स एट द फर्स्ट बाउंस इट राइज बाय 50 meters, बाय 25 meters एट द सेकेंड बाउंस एंड सो ऑन। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिटवीन द फर्स्ट एंड फिफ्थ बाउंस। तो हमारे पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या देखें, फर्स्ट बाउंस की इसने बात की है, फर्स्ट बाउंस और फिफ्थ बाउंस के बीच की हमने डिस्टेंस निकालनी है जो बॉल ने ट्रेवल की है। तो हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास बॉल है जो हमारे हाथ में है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इतनी हाइट के ऊपर है, यानी कि 100 meters हाइट के ऊपर है। तो हमारे पास यहाँ जब यहाँ आएगी, तो यहाँ आएगी, यहाँ से बाउंस करना शुरू करेगी, यहाँ से बाउंस करना शुरू करेगी, तो यहाँ से जा कर के और वो रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स यहाँ यहाँ तक उछलेगी वो, तो मीन्स हाफ हाइट तक, यानी कि यहाँ हो जाएगा 50। तो यहाँ जाएगी फिर वापस आएगी, मीन्स एक तो बाउंस पहले ही हो लिया था जब यहाँ से यहाँ तक आई थी, और एक हमारे पास यहाँ यहाँ जाने के बाद 50% हाइट पे जाने के बाद वापस आई है, दोबारा से बाउंस शुरू हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50, एक बार गई और दोबारा आई, तो दो बाउंस हमारे पास हो चुके हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, इसकी 50% हाइट पे जाएगी, इसकी हाफ हाइट पे जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 मीन्स ये हमारे पास ये आएगी और ये जाएगी और फिर ये वापस आएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 25/2 और 25/2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 25/4 प्लस 25/4, बस यहाँ तक का काम था, क्योंकि दो बाउंस यहाँ, 3, 4 और 5। तो हमारे पास इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास आया 100 प्लस ये हमारे पास 50 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 25 एंड प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 25/2 यानी कि 12.5। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगा, 187.5। लेकिन हमारे पास जो आंसर्स दे रखे हैं वो आंसर्स हमारे पास डिवाइड बाय 2 दे रखे हैं,
तो डिवाइड बाय टू दे रखे हैं, तो हम जो हमारे पास जो आंसर आया है उसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 2 5 10 और 2 7 14 और 1 15 और हमारे पास ये हो जाएगा 2 8 16 16 और 1 हमारे पास हो जाएगा 17 और 2 और 1 3 यानी कि 375 और डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास है 375 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आंसर आया है। और इसका जो आंसर है ये हमारे पास 375 डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं इस हमारे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। इफ़ संगीताज डॉटर इज माई डॉटर्स मदर हाउ देन हाउ एम आई रिलेटेड टू संगीता। इसमें क्या कह रखा है कि जो संगीता की जो बेटी है वो मेरी लड़की की मदर है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एक बार तो अपने आप पे फील करवाना है क्वेश्चन को। सब पहले तो हमें अपने आप को जेंट्स मान के चलेंगे, फिर हम अपने आप को लेडीज मान के चलेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जैसे मैं ही मान लूँ कि मैं जेंट्स हूँ, तो हम यहाँ से सोचेंगे माई डॉटर्स मदर मीन्स मेरी पत्नी होगी, और मेरी पत्नी होगी और ये हमारे पास क्या है संगीता की ये मदर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो संगीता है इसका मेरे साथ क्या नाता होगा, ये मेरी सासू माँ होगी। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मेरा जो ये जो रिश्ता होगा इससे, ये हमारे पास है सन इन लॉ मीन्स दामाद का रिश्ता होगा। और दूसरा हम ऐसे देखें कि मैं अपने आप को लेडी मान के चलूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जिसमें यहाँ से हम पढ़ें कि माई डॉटर्स मदर मीन्स मैं खुद और ये संगीता मेरी माँ। तो ये हमारे पास मेरा क्या रिश्ता हो जाएगा, हमारे पास डॉटर का रिश्ता हो जाएगा कि संगीता की पुत्री। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, ये क्वेश्चन आप चाहे तो मैं पहले भी अपलोड कर चुके हैं वहाँ से देख सकते हैं, चाहे इसको दोबारा से हम यहाँ से सोल्व करें इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है 0.1 और 0.25 और 0.3, इसको हम ऐसे लिख लें। फिर हम यहाँ से इसी को हम ऐसे लिखें 0.2 के बाद 0.5 और यहाँ 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारे पास 0.6, फिर एज इट इज़ यहाँ हम लिख लें 0.3 और यहाँ हम बताना है कि क्या आएगा, यहाँ हमारे पास 0.9 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0.4 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1.0 और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा 1.2। तो एक सीक्वेंस हमें नज़र आ रही है, यहाँ हम देखें हमें एक सीक्वेंस नज़र आ रही है। इसमें हमने जो हमारे पास जो नंबर थे उनको हमने ऐसे अरेंज कर लिया, हमने ऐसे अरेंज किया है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस नज़र आ गई कि हमारे पास इसमें 0.1 का डिफरेंस है सभी में, और इसमें हम देखें तो 0.25 का डिफरेंस चल रहा है, और इसमें हमारे पास 0.3 का डिफरेंस है। तो हमारे पास अल्टीमेटली हम देखेंगे यहाँ पे 0.75 आ जाएगा, क्योंकि हम अगर ये नंबर यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास 0.25 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो सी, ये करेक्ट हो जाएगा। और एक 15 का क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे पास क्या है। विच ऑफ द ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। हम यहाँ देखें इसमें कि हमारे पास इस ट्राइंगल को राइट में रोटेट किया गया है, और जो हमारे पास ये एरो है इसको लेफ्ट में रोटेट किया गया है।
बस इसी रूल को इस पे अप्लाई करना है। मीन्स ट्राइंगल को तो राइट में रोटेट करना है, मीन्स ट्राइंगल का ये कॉर्नर है यहाँ हमारे पास, यहाँ आएगा तो यहाँ हम देखें इस कॉर्नर पे आएगा, इस कॉर्नर पे ट्राइंगल का कॉर्नर नहीं है, ये तो है नहीं और ये भी नहीं है, एक या तो ये होगा या ये होगा। फिर हम एरो को देखें, एरो को हमने क्या करना है, यहाँ पे एरो थी वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इस एरो को हम लेफ्ट की तरफ यहाँ से एरो को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से और ये आउटसाइड एरो मिलेगी, तो ये तो हमारे पास क्या है ऐसे है कॉर्नर की तरफ है, और ये हमारे पास जो एरो है ये अंदर की तरफ है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।